64वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर स्कूल में आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महेंद्र सिंह रलावता, अध्यक्ष हेमंत भाटी और विशिष्ट अतिथि एसपी अनिकेत गौड़ रहे। जवाहर स्कूल के प्रधानाचार्य जयसिंह ने बताया कि 17 वर्षीय प्रतियोगिता में 10 टीमों ने भाग लिया, वहीं 19 वर्षीय प्रतियोगिता में भी 10 टीम्स ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 400 से अधिक खिलाड़ी अजमेर जिले से भाग ले रहे हैं। सभी प्रतियोगिता चंद्रवरदाई हॉकी स्टेडियम में खेली जाएगी। 64वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता वर्ष 2019-20 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय महेंद्र सिंह रलावता साहब, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस प्रत्याशी उत्तर अजमेर एवं अध्यक्षता माननीय श्री हेमंत भाटी साहब, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा दक्षिण अजमेर के द्वारा के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। इस उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि मेजर श्रीमती अनिकेत गौड़, एएससी बटालियन भारतीय सेना नसीराबाद होंगी। धन्यवाद सर। कितनी टीमें भाग ले रही हैं इसमें और कहां कहां से टीमें हैं? जी सर, कितनी टीमें भाग ले रही हैं? इस कार्यक्रम में 17 वर्षीय 10 टीमें भाग ले रही हैं और 19 वर्षीय भी 10 टीमें भाग ले रही हैं। पूरे अजमेर जिले से 20 टीमें सम्मिलित हुई हैं और कार्यक्रम में चंद्रवरदाई स्टेडियम में रखा गया है। उद्घाटन समारोह राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर में आयोजित है और समापन समारोह चंद्रवरदाई स्टेडियम में ही होगा। कौन कौन से स्कूल शामिल है? पूरे अजमेर जिले की 20 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। लगभग 400 संभागी इसमें भाग लेंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। हो प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट।